तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज खीर बना दे, लेकिन सबने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तभी एक बुढ़िया उनकी खीर बनाने के लिए तैयार हो गई। इस पर गणेश जी ने उनसे कहा कि अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पे चढ़ाओ। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का सबसे बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। आगे क्या हुआ दोस्तों? गणेश के दिए चावल और दूध भगोने पे डालते ही भगोना भर गया। इस बीच गणेश जी वहाँ से चले गए और बोले, अम्मा जब खीर बन जाए तो मुझे बुला लेना। पीछे से बुढ़िया की बेटी की बहू ने एक कटोरी खीर चुरा कर खा ली और एक कटोरी खीर छिपा कर अपने पास रख ली। जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई ने आवाज़ लगाई, आजा रे गणेशा खीर खा ले। तभी गणेश जी वहाँ पहुँच गए और बोले, मैंने तो खीर खा ली माँ। तब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई? तो वो बोले, जब तेरी बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। बुढ़िया ने इस पर माफ़ी मांगी। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर का क्या करना है उनसे पूछा तो इस बारे में गणेश जी ने कहा, इसे नगर में बंटवा दो और बचे हुए खीर को अपने घर के नीचे गड्ढा बना के ज़मीन में गाड़ दो। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपने झोपड़ी महल में तब्दील नज़र आए। सारे बर्तन सोने के हो गए और उनमें हीरे जेवरात भर गए। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो में हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए।